हाय, आज नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। सेम ड्रेस है क्योंकि वो जो कल मैंने शूट किया था ना, आज नेक्स्ट डे है। पर हम लोग ना रात को सोए नहीं थे, मुझे हम लोगों को नींद ही नहीं आया था। तो फिर सुबह हो गया, ऐसे ही पिक्चर देख देख कर दो पिक्चर देख लिया, सुबह हो गया। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाकर आते हैं। 6 o'clock हम लोग निकले घर से लॉन्ग ड्राइव पे। तो मैंने सोचा कि हम लोग जा रहे हैं तो नज़ारा आप लोगों को भी दिखा देते हैं। देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है और रास्ते में कोई नहीं है। मॉर्निंग 6:30 हुआ है, मॉर्निंग को ही हम लोग निकल गए, रात भर सोए नहीं है। हम दोनों को नींद नहीं, बेबी सो गई थी। फिर हमने बोला कि बेबी हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, आपको जाना है? देखो हाय बोल रही है, हाय बोलो। फिर वो भी उठ गई क्योंकि 2-3 दिन से हम लोग बाहर नहीं गए हैं ना, तो इसीलिए वो भी उठ गई। फिर हम लोग जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे। ये गाड़ी चलाते वक्त किसी को नहीं देखते हैं, हाय बोल दे। और फिर हम लोग जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे। बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद। आई थिंक बेबी का जब से स्कूल का मतलब छुट्टी तो नहीं है, पर हाँ जब से कोरोना आया है और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया ना, मतलब स्कूल नहीं हो रहा है ना, तब से शायद मैं आज पहली बार 6 o'clock बाहर का नज़ारा देख रही हूँ। तब से हम लोग कभी भी 6 o'clock नहीं उठे हैं। 5:30 को जाकर बाहर बालकोनी में खड़े रहे थोड़ी देर कि क्या करेंगे, घर पे रहेंगे या थोड़ा घूमने जाएंगे, डिसाइड किए। फिर हम लोग निकल गए हैं। तो फिर अरे मैंने तो आप सबको वेलकम ही नहीं किया, तो फिर आप सबको वेलकम है मेरे चैनल पे। तो फिर देखिए आज का ब्लॉग क्या करते हैं, क्योंकि सुबह सोए नहीं, मुझे नहीं लगता दिन भर कब सोएंगे। तो फिर कुछ तो मस्ती करेंगे, आज सैटरडे भी है। रास्ते पे रुक गए हैं, सोच रहे हैं कि किस रास्ते पे जाएंगे और चाय या बाहर पियेंगे या घर पे पियेंगे, कुछ डिसाइड नहीं है। मैंने सुबह बोला इनको कि हम चाय पीकर चलते हैं, पर इनका मन नहीं था, बोले कि नहीं सुबह सुबह घूमने चलते हैं, चाय नहीं पीते। तो फिर देखते हैं क्या करेंगे। और देखिए थोड़ा थोड़ा तो रास्ते में लोग जा रहे हैं पर इतना नहीं है। और मौसम देखिए कितना क्लाउडी है, पूरा ऊपर दिख रहा है ना, कितना क्लाउडी है, अच्छा लग रहा है। आप सबने देखा हमने कितनी सारी पेड़ ले लिया। अभी ना वो बैठकर वो गमले में डाल रहा है, मैं आ गई क्योंकि घर जाकर फिर कौन डालेगा पॉट में, तो मैंने बोला उसे बोलो डालने के लिए, तो डाल रहा है पॉट में। सुबह सुबह उठकर आ गए और वो देखे हम दोनों ना कभी भी घूमने जाते हैं ना, रास्ते में अगर कोई नर्सरी वगैरह को दिखता है ना, हम वहीं पर रह जाते। यहाँ पर ना मैं खास करके बहुत सारा सेरेमिक का पॉट था जो कि बहुत सुंदर लग रहा था, इसीलिए मैं रुक गई कि सेरेमिक का पॉट ले लेते हैं 2-3। पर इतना प्राइजी बोल रहा है, मतलब हम जहाँ से लेते हैं ना वहाँ पर भी प्राइज रहता है, पर हाँ ठीक, मतलब अगर बड़ा वाला कुछ लेते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 250 तक आता है, ये 400-500 बोल रहा था। फिर हमने डिसाइड किया कि हम वहीं से ही ले लेंगे। और इसका ना क्या है ना, पॉट तो है अच्छा वाला, ले भी लेते, पर नीचे का जो प्लेट है ना इसके पास नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा लेकर। और मैं कैसी दिख रही हूँ ना, मैंने बाल भी नहीं बनाए, ऐसे ही उठ कर आ गए और नीचे का प्लेट नहीं है, तो फिर मुझे प्लेट एक्स्ट्रा अमेजन से लेना पड़ेगा। तो फिर मेरे हस्बैंड एक जगह से लाते हैं जो कि उसके पास प्लेट भी रहता है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अभी तो जा रहे हैं, अगर मिलेगा तो अच्छी बात है, वरना इवनिंग को फिर आएंगे, आकर ले जाएंगे, यहाँ से नहीं लेंगे। ये देखिए अभी तक मतलब सच्ची में ये कहीं रुक जाते हैं ना ट्री वगैरह कुछ खरीदने के लिए, इनको खींच कर लाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो ना एक के बाद एक देखते ही रहते हैं। इनको इतना पसंद है गार्डनिंग वगैरह में, अगर वो देख लिए ना एक अच्छा लगा ना तो और एक और एक और एक, अभी वही कर रहे हैं। मैं आ गई गाड़ी में थक कर,
कि ये इतना खरीद रहे हैं। मैं कहा मैं जा रही हूँ, गाड़ी में बैठती हूँ, पर ये अभी तक खरीद ही रहे हैं एक में से एक। तो फिर बाद में मिलती हूँ। हाय, तो मैं ना आपसे बहुत देर के बाद मिल रही हूँ। बहुत देर मतलब मैंने घर 6:37 तक आपसे बात किया था, फिर हम लोग घर आते आते 8:00 हो गया था। और उसके बाद जो मैं सोई हूँ, मतलब अभी भी सर भारी हो रहा है और आंखें दुख रहा है। रात को नींद स्किप करना इज़ नॉट ए गुड आइडिया, इज़ वेरी बैड आइडिया। तो फिर अभी जस्ट ना आकर आई हूँ, अभी 12:48 हो गया है, तो मैं मेकअप हो रही हूँ। और मैं ना आपकी मेरी गार्डन दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने छोटा सा घर पे गार्डन बनाया है ना, वो दिखाऊंगी कि मैंने कितने सारे प्लांट वगैरह ला कर रखा है। और देखिए आप आइस के नीचे ना कितनी डार्क सर्कल हो गया है। अभी ना कुछ दिन से मैं थोड़ी डाइट कंट्रोल कर रही थी और थोड़ा पानी वानी पी रही थी, थोड़ा अच्छे से नींद सो रही थी, तो ये चला गया था। तो कल रात की वजह से फिर से धोखा दे दिया। और ये देखिए मेरा ड्रेस कैसा, ये वाला टॉप ना मैंने बहुत दिन पहले ले लिया था, मैं खड़े होकर दिखाऊंगी, बहुत दिन पहले ले लिया था पर मैंने पहना नहीं था किसी। फिर आज सोचा कि ये स्कर्ट तो मैंने यूज़ कर लिया था, ये स्कर्ट को मैंने इसको लाइफस्टाइल से लिया था स्कर्ट को, पर ये टॉप को मैंने यूज़ नहीं किया। तो क्या हो रहा है, बाहर कुछ काम चल रहा है तुम्हें? मैं ना थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। तो हाँ, मैं क्या बता रही थी कि हाँ मैंने स्कर्ट तो यूज़ कर लिया था, टॉप को यूज़ नहीं किया था, ऐसे ही थोड़ा कंजूस हूँ। तो फिर नहीं, ऐसा नहीं है, जो पर एक आदत होती है ना, जो कपड़े हम डेली यूज़ करते हैं ना उसको यूज्ड हो जाते हैं, तो फिर नया निकाल कर पहनने के लिए मन नहीं होता। हाँ कहीं बाहर जा रहे हैं तो ठीक है, तो फिर ठीक है मैंने सोचा कि नहीं आज पहन ही लेती हूँ, वरना हस्बैंड गाली करते। सच्ची में बोल रहे थे अगर कपड़े पहनना नहीं है तो क्यों खरीदना है, नहीं खरीदते हैं। तो फिर मैंने पहन लिया, तो ठीक है। तो सोचा था कि आप सबके साथ अपना मेकअप रूटीन शेयर करूँगी, पर ऐसा कुछ मेकअप कर तो नहीं रही हूँ, क्या शेयर करूँगी। और मैंने दिखाया था ना नायका से, मैंने ये लोटस का जो मैटिफाइंग यूवी स्क्रीन मैट जेल अल्ट्रा स्मूथिंग मैट लुकिंग ऑयल कंट्रोल लिया था ना, जिसका भी ऑयली स्किन है ना तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सच्ची में मैटिफाइंग है। तो नॉर्मल आप डेली लाइफ में इसको यूज़ कीजिए, उसके ऊपर आपकी मर्जी आप कुछ लगाए ना लगाए। क्योंकि मेरा ना ये वाला स्कार्प थोड़ा ऑयली है, पर मैं पाउडर वगैरह कुछ लगाती नहीं हूँ, पर मुँह पे मेरा ऑयल वगैरह कुछ नहीं आता है। तो ये सच्ची में बहुत अच्छा है, जिसको भी पसंद है वो यूज़ कर सकता है। अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस थोड़ा अपनी आईब्रोज को फिल अप कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैं आपको मेरा ड्रेस दिखा रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। ये स्कर्ट मैंने लाइफस्टाइल से लिया था और ये टॉप तो मैंने ऑनलाइन लिया था, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों मैच भी बहुत अच्छे से हो रहे हैं। हम लोग बहुत देर सो गए, बहुत देर मतलब बहुत देर, 7:30 हो गया है, 3:30 तक या 4:00 तक सोने हैं बेबी, 4:00 ना। मैं 4:00 चली गई और ये 5:00, उनकी बेटी 5:30 को गई सोने के लिए, उनकी बेटी मतलब ये दोनों मिलकर सोए थे, मैं उठकर आ गई थी इसीलिए मैंने बोला उनकी बेटी चली गई। हमारी बेटी 5:30 को गई सोने के लिए, तो फिर बाप और बेटी अभी उठे हैं 7:30 को, और
और मैंने बनाया है बादाम ड्रिंक मिक्स, ये क्या बोलते हैं, मेरी बादाम मिल्क बोलते हैं ना, बादाम मिल्क बनाया है, क्योंकि रेडीमेड बनाया था बादाम ड्रिंक मिक्स जो पाउडर आता है ना, मैंने कभी उसको ट्राई नहीं किया था, कभी नहीं। तो मैं फ्लिपकार्ट से जब ग्रोसरी शॉपिंग कर रही थी ना, तो मैंने देखा, तो मैंने सोचा ले लेती हूँ तो कैसा बनता है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बस ज़्यादा स्वीट है, मैं स्वीट नहीं पी पाती हूँ और कुछ नहीं, बस अच्छा लग रहा है, चॉकलेट जैसा लग रहा है, मेरी बेटी को उसे चॉकलेट जैसा लग रहा है। रात हो गया है, आप सब देख सकते हैं, एक सेकेंड, और मैं अभी ये फ्राई करने जा रही हूँ। क्यों फ्राई करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को ये खाना है, हम लोग लाग कर हो गए ना, इसे बहुत दिन हो गया, तो फिर ख़राब ना हो जाए, इसीलिए मैं इसे फ्राई करने जा रही हूँ। रात को क्या खाएंगे, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, डिनर का कोई प्लानिंग ही नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि यही बना रही हूँ पहले। क्योंकि आज है तो सैटरडे ना, तो सैटरडे नाइट को तो हमारे घर में कोई जल्दी नहीं सोता है, वैसे हम दोनों तो कल भी नहीं सोए थे, सैटरडे नाइट को तो सब 1 बजे 2 बजे सो जाते हैं हमारे। क्या बना रही हो? मैंने सोचा कि आपके लिए ये बना दूं। कौन? किसी को शायद हुआ है, इसी वजह से वो जो एरिया है ना कंटेनमेंट के गया है, तो इनकी फ्रेंड ने फोन करके वही बोल रही थी, तो उसने फोन करके बोला कि वो एरिया पे कंटेनमेंट हो गया है, छोड़ो हम लोग तो आ गए हैं। ये तो देखने से तो अच्छा लग रहा है, अच्छा होगा तो यम्मी होगा। यम्मी है बेबी, क्यों पता तो बताते, इसके टमाटो सॉस के साथ खाना है। टमाटो सॉस के साथ? हाँ, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये है क्या टमाटो सॉस। अभी मैं नहीं बना सकती आलू मटर चिप्स, अभी कुछ आप लाए थे ना, मैं फ्राई कर रही हूँ। तो फिर मैं बाकी सबको भी जल्दी जल्दी फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत देर हो गया है। तो फिर चलिए, मैं तभी इसको फ्राई कर रही हूँ, डिनर का कोई प्लानिंग नहीं है, तो फिर मैं इस ब्लॉग को लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि सुबह से स्टार्ट किया हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया है, पर हम लोग बाहर गए थे तो मैंने दिखाया था, कुकिंग ऐसा कुछ हुआ नहीं था तो मैं क्या कुकिंग दिखाती, और कुछ था ही नहीं घर पर ऐसा कुछ दिखाने के लिए, क्योंकि फुल डे हम लोग ऐसे रेस्ट करते रहे, सोते रहे, या फिर घर का कुछ। एक सेकेंड गुड्डू कितना, तो फिर अभी पता नहीं क्या करते हैं, तो फिर मैं इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, इसको यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अगर आपको ये ब्लॉग अच्छे लगे तो आप सबको पता है ना क्या करना है, कितनी बार बोलूँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मैं बार बार बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, अगर आपको अच्छा लगे ब्लॉग तो आप ये सब कर सकते हैं, आपकी मर्जी, मैं आप पे छोड़ती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।